एवरीवन, आज हम बात करते हैं प्लम्बम मेटालिकम के बारे में। इसका कॉमन नेम है लेग। ठीक है, तो हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो येलोश देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी जो बॉडी होगी वो एश कलर की होगी। एक्सट्रीमिटीज में उसका ड्राइनेस देखने को मिलेगा, झुर्रियां सी पड़ रही होंगी और पेशेंट का पूरा लॉस ऑफ फैट होगा। ठीक है, बच्चे जो होंगे फुल स्टाइल के देखने को मिलेंगे या फिर उसमें एपिलेप्सी के अटैक्स आ रहे हों। नेक्स्ट हम बात करें उसके टेम्परामेंट को लेके, तो नर्वस टेम्परामेंट होता है या फिर बिलियस टेम्परामेंट होता है। ठीक, डायथिसिस की कंडीशंस क्या होती है पेशेंट की टेंडेंसी टू प्रोन, तो पेशेंट को गाउटी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर यूरेमिक प्रॉब्लम हो सकती है। जो प्लम्बम मेटालिकम के जो पेशेंट्स होते हैं वो चिली होंगे। नेक्स्ट हम बात करें उसके माइंड को लेके, तो पेशेंट को चीजों को समझने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो स्लो होते हैं, परसेप्ट नहीं कर पाते टाइम पर। ठीक है, तो इसमें स्लो ऑफ परसेप्शन देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा स्लगिसनेस देखने को मिलेगा, आलसी टाइप के होंगे, कोई काम करना पसंद नहीं होगा। और इनका जो आलसीपन है, लेजीनेस है, जो कि उसका धीरे धीरे इंक्रीज करता है एपैथी की कंडीशंस की तरफ। पेशेंट पहले तो लेजी होगा, स्लगिस होगा कि कोई काम करना नहीं कर पा रहा है पसंद, बट उसके बाद में उसको एपैथी की कंडीशन हो जाएगी, मतलब उस चीज को लेके कोई भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिल जाता है, वीकनेस देखने को मिलता है, जब भी वो कुछ बोलेगा तो प्रॉपर वर्ड को फाइंड नहीं कर पाएगा कि मैं क्या बोलूंगा या फिर मैं क्या लिखूंगा। लैक एनाकार्डियम और लैक कैनाइनम। पेशेंट मेंटली पूरी तरीके से डिप्रेस देखने को मिलेगा और इसको एक फियर रहता है एसएनए रिलेटेड का, मींस इसको सडन अटैक का एक फियर रहता है कि कोई उसका सडन मर्डर ना कर दे। नेक्स्ट हम बात करें इसके जीआईटी के सिम्टम्स को लेके, तो पेशेंट को डिलीरियम होता है, उसके साथ साथ उसको कोलिकी पेन देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों अल्टरनेट करते हैं पेशेंट्स के। बहुत ज्यादा एब्डोमेन में पेन होगा जो कि पूरी बॉडी तक रेडिएट करेगा, या फिर ईसोफेगस में कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिल सकता है, स्टमक में प्रेशर जैसा सेंसेशन, पूरी बॉडी उसकी टाइट टाइट से फील होगी, जैसे कि कैक्टस के बारे में पढ़ते हैं। कैक्टस के बारे में क्या पढ़ते हैं कि कैक्टस को के जो पेशेंट होते हैं उसको पूरी तरीके से वायर से बांध दिया गया है। ठीक है, गैस्ट्रेल्जिया की कंडीशन, पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग हो रही है और वो चीज सॉलिड चीज को नहीं खा पा रहा है। बहुत ज्यादा सीवियर टाइप का कॉलिकी पेन है, उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि जो एब्डोमेन वॉल है उसको स्पाइन के थ्रू एक रोप से बांध दिया गया या फिर एक स्टिंग से बांध दिया गया हो और उसको खींचा जा रहा हो पीछे की तरफ। ठीक है, इंटरसेप्शन की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ पेशेंट को कॉलिकी पेन है, वॉमिटिंग देखने को मिल रही हो या फिर स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया की प्रॉब्लम, फीमोरल हर्निया हो गया हो, अम्बिलिकल हर्निया हो, कोई भी हर्निया की कंडीशन हो, बशर्ते पेशेंट का जो इमेशिएशन होगा वो एक्सेसिव होगा। हमेशा इसका जो इमेशिएशन है, पेशेंट जो होता है वीक होता चला जाता है, बहुत ज्यादा रैपिड इमेशिएशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इसकी स्टूल जो होती है वो हार्ड होगी, लंपी होगी, ऐसा लगेगा सीबम जैसी स्टूल है, जैसे ओपियम में देखने को मिलता है, चिलिडोनियम में देखने को मिलता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा अर्जिंग होगी, स्पास्म होगा एनस में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर टाइप का उसको पेन होगा। कभी कभी स्टूल पास आउट नहीं होगी क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इंड्यूरेटेड फीसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गया, या फिर जो सिक्रीशंस होते हैं, एक्सक्रीशन होता है वो सिक्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ड्राइनेस हो गया, या फिर पैलेसिस की कंडीशंस, मस्कुलर एट्रॉपी देखने को मिल रही हो। कॉन्स्टिपेशन इसमें प्रेगनेंसीज के टाइम पे होता है या फिर फीसिस के इंफेक्शन की वजह से होता है। जब हमारी प्लेटिना फेल कर जाती है प्रेगनेंसीज के टाइम पे, अगर किसी लेडी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो हम प्लम्बम मेटालिकम के बारे में सोच सकते हैं। एनस में इसको कंस्ट्रिक्शन टाइप का सेंसेशन हो रहा है कि एनस रीजन को कोई खींच रहा है, खिंचाव जैसा सेंसेशन। नेक्स्ट हम बात करें इसके यूनरी सिम्टम्स को लेके, तो इसको फ्रीक्वेंट और इनिफेक्चुअल टाइनिसनेस होती है, उसका जो पेट में मरोड़ होगा वो बनी रहेगी। एल्बुमिनस यूरिन पास आउट होती है, नेफ्रेटिस की कंडीशन है बहुत लंबे टाइम तक, और पेशेंट को बहुत ज्यादा एब्डोमिनल रीजन में पेन होता है, यूरिन स्कैंटी पास आउट हो रही है, ब्लैडर में टेनिसमस है,
और जो पास आउट हो रही है यूरिन वो ड्रॉप बाई ड्रॉप हो रही है, जैसे कि कैंथरिस में पढ़ते हैं, सारसावरेला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके फीमेल सिम्टम्स को लेके, तो इसको ऐसा फील होता है कि यूट्रस जो इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, या फिर हम ये कह सके कि फीटस के लिए उसके यूट्रस में कोई भी जगह नहीं है, तो जिसकी वजह से इसको थ्रेटिंग अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, हमेशा इसको ये फील होता है कि लैक ऑफ रूम है फीटस के लिए, यूट्रस यूट्रस जो सही तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें वजाइनिस्मस की दिक्कत, जिसके साथ साथ पेशेंट इनिशिएट हो रहा है, बी को तचलना जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, मैमरी ग्लैंड्स में इंड्यूरेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, बल्बर रीजन या फिर वजाइनल रीजन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया, जैसे कि प्लेटिना में देखने को मिलता है, ब्रेस्ट रीजन में बहुत ज्यादा बर्निंग पेन है, स्टिचिंग पेन देखने को मिल रहा है, लाइक एपिस मेलिफिका, कोनियम मैकोलेटम, कारो अनामेलिया, साइलेशिया, ये सभी ब्रेस्ट में काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। अवॉर्शंस, टेंडेंसी टू अवॉर्शन जैसे कि सवाइना में देखने को मिलता है। ठीक है, मेनोजिया की कंडीशन बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और इसको ऐसा लग रहा है कि एब्डोमिनल वॉल को और बैक को एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया और पीछे की तरफ एब्डोमिनल मसल्स को खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का इसको सेंसेशन होता है, ड्रॉन अप सेंसेशन, पुलिंग सेंसेशन। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो पैरालिसिस देखने को मिल रही है सिंगल मसल्स में, वो कोई चीज उठा नहीं पा रहा है अपने हैंड से, एक्सटेंशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एक्सटेंड नहीं कर पा रहे अपने आर्म्स को, फिंगर्स को, पैरालिसिस हो गई है, या फिर जो उसकी एक्सटेंसिव मसल्स हैं जैसे कि पियानो प्लेयर्स में होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ओवर एक्सर्शन कर लिया, तो इसकी वजह से पैरालिसिस हो गया, लाइक क्यूरारे। क्यूरारे भी पैरालिसिस की काफी अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी मोडलिटीज को लेके, तो इसका जो पेन है वो रात में दिक्कत होती है। ठीक है, मोशन से प्रॉब्लम होती है, जब भी अपने अफेक्टेड पार्ट्स को रब करेगा या फिर हार्ड प्रेशर देगा, फिजिकल एक्सर्शन करेगा, तो उसको आराम मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।